गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग। सो हम लोग जा रहे थे बाहर, तो हाईवे पे मुझे ये वाला स्टॉल दिखा था। यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन से इतने सुंदर सुंदर थे कि मुझे तो बहुत सारे खरीदने का मन किया। और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी और 100% न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तो मिट्टी के बर्तन में खाना ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, मैंने सुना है और मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई पैन, तो मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे चाय के कप, ग्लास वगैरह थे, और मतलब सामान रखने के लिए और स्टोर के लिए भी स्टोरेज वगैरह कुछ थे। तो मैंने थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया और मैं निकल गई हूँ घर के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांश खेल रहा है। सो आप भी मिट्टी के बर्तन में ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है और टेस्टी भी बनता है। तो सबसे पहले जब भी आप मिट्टी के बर्तन लेके आओगे तो उसकी कुछ प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन होते हैं और पहले पहले अगर आप यूज़ करना है तो उसे पहले अच्छे से क्लीन और धोना होता है, तो उसकी कास्टिंग करनी होती है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं चॉकलेट के लिए। यहाँ पर दिव्यांश ने फर्स्ट टाइम लॉलीपॉप का टेस्ट किया है चॉकलेट का, वो भी ट्रैवलिंग कर रहे थे इसलिए मैंने उसे दे दिया, अदरवाइज़ मैं उसे कुछ भी नहीं देती हूँ बाहर के। सो यहाँ पे ये जो मिट्टी का बर्तन है, क्ले पॉट है, उसको हमें 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना है। तो यहाँ पे मैं बाल्टी में रख के पूरा पानी भर दे रही हूँ, इससे ये और भी मजबूत बनेगा। देखिए अभी सुबह हो गया है, 24 आवर्स हो गया है, तो इसे मैं निकाल के क्लीन कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी कपड़े से। देखिए अच्छे से जब भी पानी में भिगोगे तो मजबूत और भी बनता है। तो यहाँ पे इसमें पानी डाल के मैं बॉईल कर रही हूँ, ताकि इससे दो बेनिफिट से, एक तो इसमें जो भी अगर लीकेज होगा तो वो भी पता चलेगा, प्लस इसका जो स्मेल भी बचा होगा वो भी निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं पूरा पॉट को तेल के साथ, ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, इससे इसकी कास्टिंग हो जाती है, यानी ये और भी मजबूत बनेगा और जब भी आप खाना बनाओगे तो ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो आपने देखा कि क्ले पॉट को हम कैसे यूज़ करें, उसे मतलब फर्स्ट टाइम जब आप लेके आओगे, ख़रीद के लेके आओगे तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसकी कास्टिंग करना होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको मैंने दिखाया है कि उसको कैसे हम मतलब खाना बनाने के लिए प्रिपेयर करें, तो चलिए अभी मैं चिकन बनाने वाली हूँ। आंध्रा स्टाइल चिकन बहुत ही ईजी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। ये जो पॉट है वो रेडी हो चुका है, हम लोग ने ऑयल जब लगाया था इसको मैंने 8 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था, आप धूप में भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, इससे ये थोड़ा और मजबूत बनेगा। तो या फिर घर पे भी आप लगा सकते हो, रख सकते हो। तो चिकन के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं रख रही पॉट, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। सो गाइस, मैंने इसके लिए लिया है चिकन, ये देखिए यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए बारीक कट किए हुए ऑनियंस और 2 चिलीज लिए हैं, मिर्ची, हरी मिर्ची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है अलग आता है। हरी मिर्च डालेंगे और ऑनियंस को डालेंगे, थोड़ा सा मैं ऑनियंस बचा के रख रही हूँ, मुझे ये सबसे पहले डालना है लाल मिर्च, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच। अब इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालना है और हल्दी डालनी है 1/2 टीस्पून जितना, और गरम मसाला, और यहाँ पे कड़ी पत्ता इसी में डालना है, कड़ी पत्ता ज़रूर डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारे ऑनियन जो है वो पकने लगे, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, इसमें जल्दी ही बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्ले पॉट में। जब भी आप पॉट में, क्ले पॉट में खाना बनाओ तो याद रखिएगा, जैसे ही खाना बन जाए तो उसे अलग बर्तन में निकाल दीजिए, अदरवाइज क्या होता है कि ये जो क्ले पॉट होता है वो जल्दी कूल नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं आता है, जैसे नॉर्मली हम लोग यूटिलाइज यूज़ करते हैं स्टील के वगैरह, तो इसमें ये टेम्परेचर थोड़ा ये हॉट ही रहता है, तो अगर आप खाना बनाने के बाद नहीं निकालोगे तो वो ओवर कुक हो जाएगा, फिर आपका जो भी रेसिपी हो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे जैसे ये कुकिंग होने के बाद दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और एक बात, खाना
पकाने के बाद इसको कैसे वॉश करना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो भी क्लेयर पॉट है वो खराब हो सकता है रखे रखे, तो वो भी आप जरूर देखिए। यहाँ पे मैं और एक आपको बात शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप चिकन लेके आओगे तो उसमें सॉल्ट डाल के आप वॉश कीजिए, जिससे क्या होता है कि चिकन का जो स्मेल होता है ना वो निकल जाएगा। और ये वाली जो रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही रोटियों में और भी अच्छा लगता है और चावल के साथ भी आप खा सकते हो। तो देखते हैं, चलिए हमारा ऑनियंस रेडी हो गया है कि नहीं, पक गया है कि नहीं, हमारा ऑनियंस पकने लगा है। तो इसमें हमें टमाटर नहीं डालनी है, अदरवाइज ये टेस्ट कुछ और ही हो जाएगा और इसमें जो है ग्रेवी मतलब मॉइस्चर होने लगेगा। तो हमें थोड़ा सा ड्राई बनाना है चिकन, तो इसमें टमाटर हम यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए हल्के हल्के से आप मिक्स कीजिएगा और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक ये पक के रेडी हो जाएगा मैं आपको बताने वाली हूँ रायता की रेसिपी। जो भी यहाँ पे मैंने दही लिया है, आपको जितना क्वांटिटी के रायता बनाना चाहते हो आप उतना दही लीजिए। इसमें ये जो ऑनियंस हम लोगों ने बचा के रखे थे वो पूरे इसमें ऑनियंस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना आप मिर्ची ऐड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे ये रायता जो है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही ईजी है। और स्वाद अनुसार सॉल्ट मिक्स कीजिए, हम साइड में रख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, चिकन के साथ आप साइड में खा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगे बहुत। सो अब हम लोग देखते हैं हमारा चिकन यहाँ पे पक रहा है कि नहीं, अच्छे से पक रहा है चिकन, बहुत ही स्वाद बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है चिकन की। आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी फिर से वीडियोस बनाने की। और ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, जिसको कुकिंग नहीं आती है जिसको चिकन लवर से चिकन पसंद है वो भी बना के खा सकते हैं, ईजी है लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। करेक्ट स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे 7-8 मिनट तक, उसके बाद हम चेक करेंगे चिकन हमारा ऑयल रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है, देखिए पक गया है चिकन। तो फाइनली हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको और 1 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। चिकन पक के रेडी हो गया है, मैंने गैस को बंद कर रही हूँ। तो अब मैं मेरे पतिदेव को सर्व करके दूंगी, देखते हैं उनको पसंद आया कि नहीं चिकन। तो लो बताओ पतिदेव जी खाना कैसे बना। खाना बनने के बाद अच्छे से धोना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें फंगस लग जाते हैं। तो लिक्विड सोप से हल्के से धोकर इसके अंदर बेकिंग सोडा और नींबू से फिर से धोना है, इससे ये बहुत ही अच्छे क्लीन रहेगा। और सेकेंड टाइम आपको जब भी खाना बनाना हो तो डायरेक्ट निकाल के आप खाना बना सकते हो। सो गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।